हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमने हरे मूंग की सब्जी बनाई है। देखिए कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ये, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। किसी वक्त इसे बना करके खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसे डिनर में, ब्रेकफास्ट किसी में बना सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है। देखिए हमने ले लिया है, इसको रात को भिगो दिया था। अब इसमें देखिए 4-5 आलू हम इसमें धो के डाल देंगे। इस तरह से 1-2 सीटी लगा लेंगे, 1 गिलास पानी डाल के इसमें अच्छे से उबल जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम प्याज को कट कर लेते हैं। इस तरह से बारीक कट कर लेंगे प्याज को तड़का के लिए। इस तरह से अच्छे से कट कर लेंगे इसे। हमने एक प्याज लिया, आप दो प्याज भी काट सकते हैं। देखिए इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। देखिए प्याज कट हो गए हैं, इन्हें साइड में रख लेते हैं इस तरह से। इसमें एक मिर्ची डाल देंगे इस तरह से। आप 1 या 2 जैसा आपको चाहिए तीखा, आप उस हिसाब से मिर्ची लीजिएगा। इसे भी हम छोटे छोटे कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हो गया। चलिए कढ़ाई गरम करके इसमें तड़का लगाते हैं। देखिए तेल डाल लेते हैं, कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी थी। अब इसमें हम 5 फोरन डाल देंगे। अब इसमें मिर्ची डाल देते हैं और प्याज, इनको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और मसाला डाल देते हैं हम। लाल मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और दालचीनी, इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हो गया। अब इसमें डाल देते हैं हम सब्जी इस तरह से। आलू को भी हम इसके साथ चलाते हुए ही मैश कर लेंगे। जैसा आपको चाहिए बड़ा छोटा उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। देखिए हो गया। अब इसमें हम बारीक काट के टमाटर डाल देते हैं। देखिए टमाटर को हमने 2 टमाटर लिए हैं छोटी छोटी साइज के। इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बारीक कट कर लेंगे सभी टमाटर को। और किसी वक्त आप ये सब्जी बना करके आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में। डाल के डाल देते हैं इसमें, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो गया। इसमें पानी डाल देते हैं 1/2 गिलास। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है हमारी सब्जी। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। देखिए इस तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि अच्छे से ये पक जाए। देखिए अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारी सब्जी पक गई है। इसमें हम मसाला, चाट मसाला दोनों डालेंगे जिससे अच्छा टेस्ट और चटपटा सा रहे। देखिए इस तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा सब्जी। इसको 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं ताकि अच्छे से जो मसाले हैं उसका भी इसमें आ जाए टेस्ट। ये देखिए हमारे सब्जी हो गई तैयार। हम गैस बंद कर देते हैं। इसमें ढेर सारा धनिया पत्ती डाल देंगे इस तरह से। इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए आपको पास से दिखाते कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें हम कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए सभी को हमने निकाल लिया है। देखिए ऊपर से हम कटोरी में सजा लेते हैं धनिया पत्ती से। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।